हेलो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, एक्चुअली ये पर्सनल थॉट है। और ये थॉट एक्चुअली आया कैसे है कि ये कैसे साइंस के साथ में जुड़ा हुआ है, उसी संदर्भ में, उसी रेफरेंस में ये मैं बात करूँगा कि क्या जो डायरेक्शंस हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये क्या बॉडी जो फंक्शनिंग है उनको अफेक्ट करती हैं। एक्चुअली ये सवाल आया कैसे है? आया ये सवाल जो है वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से आया है कि वास्तु के अंदर ये जो डायरेक्शंस हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि जिस टाइम वास्तु का जो डेवलप हुआ था कंसेप्ट, उस टाइम ये जो इंफॉर्मेशन हो वो क्लियर रही हो। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वीडियो है, मैं इसके जो कंटेंट है आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन या कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि वो साइंस को स्पॉयल करता है या साइंस को किसी एंगल से डाइवर्ट करता है, देन प्लीज इग्नोर दैट। ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन एक कनेक्शन जो है वो ढूंढने का एफर्ट है। अगर वो एफर्ट आपको दिखाई पड़ता है तो आप अप्रिशिएट करना, अदरवाइज ये आपकी चॉइस है कि आप कैसे देखते हैं। तो जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्टडी के टाइम हम बोलते हैं कि जो फेस है वो फेस जो है वो टूवर्ड्स दी ईस्ट हो या नॉर्थ हो, ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में वो बोलते हैं कि जब आप पढ़ते हैं तो आपका फेस जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, तो बड़ा अच्छी कंसंट्रेशन आपकी होगी। लेकिन दूसरे पॉइंट पर हम लोगों के कल्चर में ये पॉइंट भी है कि जब आप स्लीप सोना जब आपको है, उस टाइम जो आपका हेड है वो दैट टाइम उसको जो है आप अवॉइड करिए नॉर्थ डायरेक्शन से, ये अलाउड नहीं है, राइट? तो ये इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये अलाउड नहीं है और ये अलाउड है। तो यहाँ एक जो छोटा सा पॉइंट है जिसको हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली है क्या, कि जब मैं स्टडी अभी जैसे आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो जो ये ओरिएंटेशन है, हेड का ओरिएंटेशन है अभी, इसको हम लोग वर्टिकल मान सकते हैं, राइट? और अगर मैं सोऊंगा तो ये जो है ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो अभी केवल ये ही दो पॉइंट है कि जब मैं अगर आपका देखता हूँ कि स्टडी करता हूँ, तो उस टाइम मेरा फेस जो है, ये मेरा हेड जो है वो वर्टिकल है, और जब मैं सो रहा हूँ तो उस टाइम मेरा जो हेड होगा वो हॉरिजॉन्टल पोस्चर में होगा, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। तो ये एच और ये वी, तो कोई भी जो बॉडी है, राइट, तो वो इन दो पोजीशंस के साथ में रहेगी। अब सोते टाइम जो हॉरिजॉन्टल पोस्चर है उसको वो होगा और वहां पर उसको मना किया है, दैट मींस की डायरेक्शन। इसको मैं थोड़ा पिक्चराइजेशन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा और फिर आपको, सपोज किया ये स्टडी टेबल है, राइट, ये चेयर है, तो अभी जो पर्सन है उसका जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में, राइट? तो ये फेस है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ जो हेड है हम लोगों का, जो ये ऐसे जितना भी जैसे भी बन पाएगा, तो इस तरीके से ये मैं देख लूँ तो ये वर्टिकल पोस्चर के साथ में, राइट? लेकिन जब, और ये अलाउड, ऐसा करना सजेस्टेड है कि भाई आप ऐसा करेंगे तो कंसंट्रेशन होगी आपकी बनेगी। दूसरी टाइप कि ये अब आपका बेड है, राइट, पिलो, और ये इस तरीके से ये थोड़ा सा मैं करके दिखा दूं कि ये जो पोस्चर है ये अलाउड नहीं है। तो सोना अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, जो मैं अभी पहले आपको समझा चुका था। और यहाँ जो हेड की जो पोजीशन होगी वो आप सीधा नहीं रख पाएंगे, आप थोड़ा सा वो इस पॉइंट से जाएगा, राइट? तो आपका हेड थोड़ा सा ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल पोस्चर में रहेगा। तो अब अगर इस चीज को थोड़ा सा फोकस किया जाए कि पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं और उसके बाद में फिर ये चीज सिस्टमेटिक ट्राई वे में ट्राई करूंगा कि वो क्लियर हो जाए।
यहाँ एक हॉरिजेंटल में सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, दूसरी हेड की जो है वो वर्टिकल सिचुएशन है उसकी बात कर रहा हूँ, और ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये भी नॉर्थ डायरेक्शन है। एक्चुअली जो मैग्नेट है, मैग्नेट से जो है हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं इसको नॉर्थ और साउथ ऐसा कहूँ कि नॉर्थ से जो है वो साउथ की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलते हैं ऐसे, ये इस तरीके से, राइट। तो ये साइंटिफिक फैक्ट है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अब ऐसा ही जो अर्थ की मैग्नेट है, तो अर्थ जो है हम लोगों का ये अर्थ है, तो अर्थ में हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, कि नॉर्थ से जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलती है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो माइक्रो टेस्ला की फॉर्म में, जैसे ये 45 माइक्रो टेस्ला आपको मिलेगी जब अगर आप इसको किसी डिवाइस के थ्रू मेजर करेंगे। इसकी जो रेंज है वो 22 जो 60 माइक्रो टेस्ला है वो एक्सेप्टेबल है, और इससे कम या ज्यादा जो है वो फिर जो है अफेक्ट पड़ेगा, बॉडी पर अफेक्ट पड़ेगा। अब ये क्यों अफेक्ट पड़ेगा, अब वो भी एक दूसरा पॉइंट रहेगा डिस्कशन का, लेकिन ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि जो रियल मैग्नेट है और जो अर्थ का मैग्नेट है, उस अर्थ के मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो भी ऐसे चलती है, और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो माइक्रो टेस्ला में है। तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि माइक्रो टेस्ला ये बहुत ही छोटी अमाउंट है और ऐसा चीज का डायरेक्ट अफेक्ट नहीं पड़ सकता। अगर आपको फिजिक्स का आइडिया है, तो फिजिक्स के आइडिया में क्या है कि आप ये कोई फिजिकल जब बार मैग्नेट यूज करते हैं और एक कोई क्वायल यूज करते हैं, तो उस क्वायल के दो एंड हैं, एक ये एंड और एक दूसरा एंड, और आपके पास में एक कोई बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट को अगर आप मूव कराएंगे तो इस क्वायल से जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक्चुअली चेंज होगा, तो उससे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। एक छोटा सा कंसेप्ट है फैराडे लॉ का जो हम फिजिक्स में लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ जो ये मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि उसकी स्ट्रेंथ सफिशियंट है टू प्रोड्यूस दी ईएमएफ, बट जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ बहुत वीक है, बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू दिस वन, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहाँ जो ये अभी जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये माइक्रो टेस्ला ऑर्डर में आपका मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन को चलता है। अब एक दूसरा कंसेप्ट यूज करते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि आपके पास में ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, और इसमें आप एक कोई मैग्नेटिक डाइपोल रख दीजिए। मैग्नेटिक डाइपोल एक्चुअली क्या है, आप एक बार मैग्नेट को समझ सकते हैं, इसमें दो पोल है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो जो अगर मैं इसको इसमें रखूंगा, यहाँ ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी जिस साइड से ये फील्ड आ रहा है और जिस साइड को जा रहा है साउथ है। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो पोल है वो नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ नॉर्थ जो है वो रिपेल करेगा और ये थोड़ा सा इस तरीके से फोर्स लगेगा, ये साउथ पोल होगा, ये अट्रैक्टिव होगा, तो आप जिस समझिए कि ये थोड़ा सा घूम जाएगा, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है ये घूम जाएगा, एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको ऐसे ट्राई करेगा। तो अगर ये पॉइंट आप, मैं क्योंकि अभी 8 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, 9 मिनट्स हो गए हैं वीडियो को चलते चलते, तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा लेंदी इसको फील करें, लेकिन एक टॉपिक था, ये बेसिक आइडिया है हम लोगों के पास में कि अगर किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई मैग्नेटिक डाइपोल रखते हैं, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक उसको अपने डायरेक्शन में अलाइन करने की ट्राई करता है, तो जिससे वो घूमता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कुछ वर्क करेगा। तो अब इसी अप्रोच को अगर मैं यहाँ इम्प्लीमेंट करता हूँ इन दो पोजीशन पर, जब वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल है, तो ये तो क्लियर है कि हम लोगों के बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये भी ट्रू है कि मैग्नेटिक डाइपोल भी होंगे। तो मैग्नेटिक डाइपोल की पॉसिबिलिटी क्यों है और किस तरीके से है, तो वो एक छोटा सा कंसेप्ट है कि जहां पर भी एटम है और एटम में के अंदर अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, राइट, तो वो क्या है कि करंट लूप डेवलप करता है, और करंट लूप अगर वो क्रिएट करेगा तो वहां वो क्या है कि एक मैग्नेटिक डाइपोल का कंसेप्ट जनरेट कर देगा।
राइट। तो अगर बॉडी है तो बॉडी के अंदर एटम है, एटम कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये सब पॉसिबिलिटी यहाँ, अब जो है ये स्पेशली अभी मैं माइंड पर फोकस कर रहा हूँ तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोल रहा हूँ। तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल होंगे एक्चुअली इनकी जो इंटरेक्शन है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ में होगी। ऑब्वियस है कि ये जो मैग्नेटिक पोल है, मैग्नेटिक डाइपोल है, इसकी स्ट्रेंथ कंपेरेबल टू दी ये जो आप एक्सटर्नल देख रहे थे उसके कंपेरिजन में बहुत कम होगी। तो जब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इस मैग्नेटिक डाइपोल के साथ इंटरेक्शन होगी तो कोई ना कोई उसका आउटपुट होगा, तो कोई ना कोई उसका जो हम लोगों के बिहेवियर पर या हम लोगों के माइंड पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। साइंटिफिकली इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट आई हैव दिस आइडिया और आई फील लाइक दिस कि अब हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन में सर करके क्यों नहीं सोते हैं, क्योंकि हम लोगों को अगर नॉर्थ डायरेक्शन में सर रख के सोएंगे तो नींद जो होगा वो प्रॉपर नहीं होगा, बॉडी अनकंफर्टेबल होगी, टायर्डनेस होगी या दूसरी प्रॉब्लम्स। अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में सर रख के सो रहे हैं तो कुछ दिनों के बाद वो फिजिकल प्रॉब्लम की फॉर्म में आ जाएगी। तो उसका रीजन क्या है कि यहाँ ये जो डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, उनकी इंटरेक्शन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ में है और जिससे वो ओरिएंटेशन चेंज होने से पूरी बॉडी का जो कॉन्फिग्रेशन है वो चेंज हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो नेचुरल वे है वो डिस्टर्ब हुआ है, तो बिकॉज ऑफ दैट वो सब फिजिकल प्रॉब्लम आ सकते हैं या मेंटल प्रॉब्लम आ सकती है। और यहाँ ये हो सकता है कि जो हेड इस सिचुएशन में था ये पैरेलली रहा हो उसके मैग्नेटिक डाइपोल, तो यहाँ एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसने बहुत ज्यादा वर्क नहीं किया, अलाइनमेंट था। तो वास्तु जो है वो पर्सनली आई फील कि कहीं ना कहीं ऐसी कनेक्टिविटी के साथ में रहा होगा। तो यहाँ मैं दो कनेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो एक हम लोग जनरली बोलते हैं जिनका केवल हम लोगों के डिस्कशन में है, उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। बिकॉज आई एम द पर्सन ऑफ फिजिक्स, सो व्हेन आई जस्ट ट्राई टू कनेक्ट ऑल दीज थिंग्स बाय दिस वे, देन आई फील लॉजिकली कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ होगा ऐसा ये कन्फर्मेशन नहीं है, ये जस्ट फॉर एक पॉइंट था। तो ये वजह हो सकती है कि हम लोग नॉर्थ जो डायरेक्शन है उसमें सर रख के नहीं सोते हैं। तो ऐसे ही किसी और जो पॉइंट है मैं ट्राई करूंगा अपनी साइड से कि वो आपके साथ में डिस्कस करूं और लॉजिकली आप उसको ऑब्जर्व करें, और अगर ठीक है तो आप ये सपोर्ट कर सकते हैं, अगर ठीक नहीं है तो आप मुझको किसी पॉइंट पर क्रिटिसाइज कर सकते हैं और अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, देन आई विल ट्राई टू करेक्ट दैट थिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड